आ गई भाई, राजा भाई आ गए, राजा भाई की गाड़ी आ गई है, हम शूट कर रहे हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं हूँ आप सबका दोस्त शकील। तो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। दोस्तों कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मतलब थोड़ा मूड भी नहीं बना और इंस्टाग्राम के पीछे लग गया था, थोड़ी रीले वगैरह उसी में डालता रहा, क्योंकि मेरा इंस्टा बिल्कुल था ही, तो इंस्टा भी आते हैं आप कंटिन्यू रीले डाल रहे हैं। तो अभी हमारी लोकेशन है बराबर जसंगम से अंदर, मतलब नागबल बोलते हैं इसको, यहाँ पे अपने जगवार को लेके आए हैं। और राजा, मेन बात है आज राजा भाई भी आ रहे हैं यहीं पे लोडिंग के लिए, तो राजा भाई के आप इकट्ठे ही चलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम बत्ते वगैरह सब कुछ खोल दिया है, वो शरद भाई खोल रहा है बत्ते वगैरह, तो बत्ते वगैरह खोल के यहाँ से अभी लोडिंग स्टार्ट होगी। लोड माल भाई ये वाला लोड होगा, ये चूरा जो है ना ये, तो ये जाना है पंजाब, तो पंजाब से देखते हैं अभी राजा भाई क्या पोजिशन बताएंगे, वहाँ से भर के हो सकता है आगे जाएं कहीं नासिक वाली साइड या महाराष्ट्र वाली साइड। तो चलो रखते हैं आज का व्लॉग कंटिन्यू, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो भाई आते हैं राजा भाई और उनसे भी मिलते हैं। राजा रमीज़ व्लॉग्स को तो आप जानते ही होंगे, वो भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज से व्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू रखता हूँ, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहे ना, तो चलो आज के बाद फिर से वीडियो अभी कंटिन्यू रखूँगा। और घर पे भी थोड़ा रुक गया था एक तकरीबन एक महीने के लिए, ईद के बाद, मतलब ईद से पहले मैं आया था उधर कोलकाता साइड से, तो तब से मैं निकला ही नहीं। और रियाज भाई ने, बिशारत भाई ने, इन दो भाइयों ने एक दो चक्कर लगाए थे, दो चक्कर लगा के तो ये भी घर पर ही थे। चलो देखते हैं अभी क्या कुछ रहेगी, क्या कैसा रहेगा मेरा, मतलब एक महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद फर्स्ट ट्रिप है। तो चलो मिलते हैं, राजा भाई भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तो भाई यहाँ पे लगा है अपना जैगवार, अभी लोडिंग स्टार्ट होगी और बत्ते वगैरह सब कुछ खोल दिया है, तो अभी देखते हैं राजा भाई कितने टाइम में आएंगे। तो ये भी यहाँ पे छोटी सी फैक्ट्री है ये वाली, मतलब ये लकड़ी का चूरा है, छोटा छोटे टुकड़े हैं, देखते हैं ये कहाँ के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद देख लीजिए भाई अपने जैगवार की, देखो पूरे बत्ते खोल दिए ना, वो ऊपर रखे हुए हैं टूल में, देखो भाई थोड़ी वॉशिंग नहीं की है, थोड़ा गंदा है अभी, तो देखेंगे आगे कहीं पे वॉशिंग करवाएंगे अपने जगवार की, कैसा लग रहा है देखिए सर। बशारत भाई ने एक दो चक्कर लगाए थे, बशारत भाई कहाँ कहाँ गए थे आप? बस जम्मू ही तक गए। मेरे बिना मजा आया? कुछ भी नहीं था, बट अच्छा धीरे 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 जम्मू श्रीनगर, क्योंकि ये मेरे बगैर गए थे ना, जम्मू श्रीनगर चल रहे थे, इन्होंने यहीं पे लोकल में एक दो चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी बाहर नहीं गए। यहाँ लोकल में चल के ना बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, गाड़ी की मतलब किस्त भी नहीं चल रही है भाई, जब अगर किस्त चलेगी ना तो तब भी बात है, किस्त भी नहीं चलनी मुश्किल बात है। तो अब चलते हैं बाहर भाई लॉन्ग रूट पर, हमारा तो कम से कम भाई एक महीने का ट्रिप रहता है, एक महीने का एक चक्कर लगता है, मतलब बाहर घूम घूम के ना स्टॉप बाई स्टॉप माल भरते हैं। तो जैसे अभी अपना सेब का सीज़न स्टार्ट होगा कश्मीर में, फिर तो एक ही एक चक्कर, मतलब यहाँ से लोडिंग करेंगे लेके आगे छोड़ेंगे, वहाँ से डायरेक्ट वर्क है सीधा कश्मीर। तो चलो आ रहे हैं राजा भाई, उनसे भी मिलते हैं। आ गई भाई राजा भाई आ गए, राजा भाई की गाड़ी आ गई है, हम शूट कर रहे हैं अभी। ये रही राजा भाई की गाड़ी। भाई राजा भाई भी पहुंच चुके हैं और राजा भाई के व्लॉग भी बना रहे थे, तो मैं अभी राजा भाई की गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे कांडा करके ना अंदर ले रहा हूँ फैक्ट्री में, और राजा भाई की गाड़ी का थोड़ा व्यू देख लीजिए। देखिए भाई ये वाली स्टेयरिंग है ना, जो मस्त स्टेयरिंग लग रही है भाई, मैं भी ऐसी स्टेयरिंग मंगवाऊंगा। और राजा भाई की गाड़ी देखो भाई कितनी अच्छी है, वहाँ चला गए राजा भाई। तो भाई आ चुके हैं राजा भाई भी यहाँ पे और इकट्ठे हैं दोनों गाड़ियाँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपने शकील भाई के साथ फोन पे बात होती रही और भाई ने व्लॉगिंग वगैरह छोड़ दी। भाई कमेंट करके बोलो भाई को यार कंटिन्यू व्लॉग रखे यार, क्योंकि ऑल इंडिया मालदा असम पूरी में नई गाड़ी भी ली और वहाँ भी घूमता है फिर भी व्लॉग छोड़ दी, ये कौन सा तरीका है भाई? अब इकट्ठे ट्रिप होगा हम दोनों भाइयों का, यहाँ से हम जा रहे हैं मुक्तसर, मुक्तसर पंजाब में आ गए ना, पंजाब में वहाँ गाड़ियाँ लोड करेंगे, उसके बाद दोनों भाई जाएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से देखेंगे अगर अच्छा सीन इकट्ठे बना तो हम जाएंगे आगे की तरफ, हाँ उधर ही जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर।
अगर नहीं आएंगे तो केला भर के वापस सीधा जे एंड के में। लेकिन मेरा तो है कि मैंने बाहर ही जाना है भाई, मैंने अभी 2-2.5 महीने बिल्कुल जे एंड के में आना ही नहीं है। यहाँ आके फायदा भी नहीं है भाई, यहाँ यात्री चल रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम, ट्रकों को रोक देते हैं। चलो आज राजा भाई भी साथ में, देखते हैं कैसा रहेगा सीन, क्या कहाँ जाएंगे। लेकिन वैसे मेरा भी इरादा है कि बाहर ही जाएंगे, तो मैंने भी काफी टाइम से मतलब वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैंने सोचा शकील भाई भी 1 महीने से घर पे हो ना। मैं भी 1 महीने से, 1 महीने से भी भाई घर पे है, क्योंकि इनकी गाड़ी को ही लेके गया था मैंने। तो भाई को सपोर्ट दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो भाई। देखो आप अगर अपना प्यार दिखाओगे ये भी कंटिन्यू व्लॉग लाएंगे, अगर आप प्यार नहीं दिखाओगे तो व्लॉग कहाँ से लाएंगे। और अपनी गाड़ी भी वहाँ हमने रख दी, तो अभी बाइक की गाड़ी की लोडिंग चली नहीं, अभी होगी स्टार्ट थोड़ी देर में हो जाएगी। हाँ बस थोड़ी टाइम में स्टार्ट, फिर मतलब 1 घंटे में लोड। हाँ 1 घंटे 1-2 घंटे लग जाएंगे, धूप चली जाएगी अपनी गाड़ी की, हम बत्ते वगैरह खोलेंगे तो फिर उसकी भी कर लेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलो देखते हैं कब लोडिंग स्टार्ट होगी भाई। अभी दिन के 4:30 बज चुके हैं और अभी अभी लोडिंग स्टार्ट हो रही है हमारी गाड़ियों की। और ये हमारे छोटू उस्ताद, इसको आप देखते होंगे राजा भाई के ब्लॉग में, ये काफ़ी मतलब अच्छी बातें करता है, मज़ा आता है इसके ब्लॉग में देखते हैं। चलो हो रही है अपनी गाड़ी वहाँ पे लोडिंग स्टार्ट, मतलब लोड कंप्लीट, थोड़ा सा रह गया अभी राजा भाई की गाड़ी, उसके बाद लोड होगी। और छोटू ने मेरे लिए गिफ्ट लाया था, अभी हम खाते हैं। तो चलो कार दी है, पूरा देना था आपको। हाँ हाँ, तो चलो अभी खाते हैं, अभी खाते हैं, यहीं पे खाएंगे, यहीं पे अच्छा लगेगा, है ना। अंदर गाड़ी ना, ये गाड़ी है। हाँ ये हमारा, इसका साथ देंगे, ये हमारे साथ देगा। देखिए सर वो ऊपर टैग भी लगा हुआ है, राजा रमीज व्लॉग्स। तो मैंने 1-2 वीडियो बनाए भी थे राजा भाई की गाड़ी के साथ, लेकिन राजा भाई उस टाइम नहीं थे, तो चलो मैंने सोचा आज फिर राजा भाई के साथ वीडियो बना लेते। हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है, तो राजा भाई का भी न्यू ब्लॉग आ चुका है। अभी टाइम क्या हुआ, सुबह आएगा शाम को, मेरा शाम को आएगा हमारा ब्लॉग। तो चलो खाते हैं यहाँ पे अभी। देखिए सर ब्लॉग देखेंगे ना अपना। हाँ तो चलो खाते हैं पहले ये वाला चीज। गाइस देख सकते हैं आप, छोटू ने लाया था मेरे लिए गिफ्ट, लेकिन खा रहा है खुद। अपने मुंह धर करो ना कैमरा, आप नहीं खा रहे। मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा छोटू ने खा लिया। फाइनली भाई देख सकते हैं आप, इतनी सारी लोडी हो चुकी है गाड़ी। और ये राजे भाई का बच्चा है, छोटा वाला बेटा है इसका, राजे भाई का छोटा, बिल्कुल छोटा। और छोटू देखो आपकी गाड़ी भी इतनी हाइट में जाएगी, इतना ही वहाँ पे राजा भाई की गाड़ी लगी हुई है, अभी लोड नहीं हुई है। तो हम आए थे ना पहले, राजे भाई का वेट करते रहे, तो अभी हो जाएगी राजे भाई की, थोड़ी सी रहेगी बस, वो मतलब वो स्टील दिख रहा है ना वहाँ तक लोड हो गई है, अब ऊपर हाइट डालनी है। तो उसके बाद छोटू आना, बात कर रहे यार। हाँ व्यूअर्स को बताना क्या बोलना है। बस कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब करो, दिल से करो, प्यार से ना, ऐसे मत करो। और क्या बोला हमने, प्यार दिखाओ, प्यार प्यार तो दिखाएंगे ना। देखो ना आप, मतलब इतना छोटा होके भी ट्रक के साथ जाता है भाई, मतलब कितने इसका कितना जिगरा है भाई। देखो इसको बहुत शौक, इसको मजबूरी भी है, शौक भी है, निकल गया था वो इधर से। तो आ चुके हैं अपने राजा भाई। राजा भाई माल इतना होगा लोड, ये सब्सक्राइब जरूर कर लिए, दिल से करो, दिल से ऐसे, दिल से करो शकील भाई को, ठीक है। हाँ राजा भाई इतनी लोड होगी, ये बोल रहे माल बहुत कम लोड होगा, 16-17 टन मैंने बोला था ना अभी, कितना बस वो तो बोल रहा था 18,000 के पता। चलो देखते हैं अभी कितना वजन, टन का 1,000 रुपया है। तुमने पहले बोला है, हम आज गाड़ी कितना आएगा, 24 कैमरा कहां पे, 24 टन गाड़ी में ले आओ ना, व्लॉग तो नहीं करना है भैया, व्लॉग करेंगे। ये राजा भाई, राजा भाई ये आपका छोटा बेटा है, बच्चे की जगह है यार ये, बच्चा है इसमें भाई, ये मेरा छोटा लगा, बच्चे की जगह देखो। हां हां बच्चा है बराबर। ये गया है राजा भाई का कैमरा लाने, तो अभी राजा भाई भी शूट करेंगे। भाई मुझे दो जरा इसमें, मैं थंबनेल पे फोटो खाता हूं, एक ही पता लगेगा लास्ट वाला। और कहां बता,
अरे भाई गाड़ी लोड हो चुकी है और अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी बाहर निकाल दी है और राजा भाई की गाड़ी लग चुकी है लोडिंग पे। तो अभी हम करते हैं इस पे त्रिपाल वगैरह सब कुछ बंद। यहाँ पे अपनी सब्जी लेके आए थे घर से, जो कि मैंने सोचा क्या पता है यार कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं ना, वहाँ पे सब्जी वगैरह नहीं मिलती है, तो सब्जी वगैरह भी लेके आए। तो चलो राजा भाई को आज फर्स्ट टाइम मिले थे मैंने। राजा भाई फर्स्ट टाइम आपको कड़म खलवाए हैं? कश्मीर घर से लाए? घर से लाए हाँ। पक्का? पक्का हाँ। आया है, आया, मजा आएगा, यही होता है भाई घर की सब्जी का, ठीक है। देखो कैसे टाइम में काम आ गए, यहाँ पे दुकान भी कोई नहीं है ना वैसा। तो चलो जब बना के लास्ट पे दिखाएंगे कैसा इसमें टेस्ट होता है, इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो अपना छोटू उस्ताद ये रहा, कैसी सफाई चल रही है भाई। हेलो क्या भाई, हमारा खाने का टाइम, अभी टाइम 11 बज रहे हैं। तो देखो भाई कड़म की सब्जी कैसी है। आज मजा आ गया, घर के कड़म थे ना तभी। हाँ। विदाउट केमिकल सब्जी भाई, और नमक भी थोड़ा कम है, वो भी दो। नहीं मुझे पता होता मैं रिश्ते लाता राजा भाई के। बाकी शकील भाई रिश्ते को छोड़ो, मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता नहीं लेके आना। रिश्ते बात सुनो ना, एक और बात मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर हम चिकन बनाते। ओहो वो तो, और कड़म मांगो घर से, चिकन बनाएंगे हम इंशाल्लाह। तो गाइस खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी लोड हो जाए, रास्ता त्रिपाल करके नस्ते हैं भागते नहीं आगे की तरफ। तो अपना छोटू देखो, नमक थले पे आना। तो रात के 1 बज चुके हैं भाई, अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है, लाइटें दिख रही हैं। तो कर रहे हैं राजा भाई की गाड़ी पे त्रिपाल। तो भाई बोल रहे हैं कि अभी कांटा नहीं होगा यार, तो फंस गए। हमने सोचा था आगे जाएंगे लेकिन हमारा मिशन फेल। तो चलो अभी त्रिपाल वगैरह करके सो जाते हैं। रात के 1:30 बज चुके हैं, तो राजा भाई की गाड़ी का हो गया त्रिपाल वगैरह, और हमने सोचा था कांटा वगैरह हो जाएगा, आगे चला जाएंगे कहीं पे लाइन में लग जाएंगे, तो लेकिन वैसा नहीं हुआ भाई, जो सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं। तो चलो अभी सो जाते हैं, सुबह बिल्टी वगैरह यहाँ से लेके निकलते हैं आगे की तरफ, और कंटिन्यू सफ़र रहेगा। तो चलो देखते चलिए, आज का लोड हमारा पंजाब का है, पंजाब से फिर आगे भर के और कहीं चला जाएंगे। तो चलो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।